ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज वॉइस लीडिंग? अब वॉइस लीडिंग को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा, एंड देन यू नो वील यूज दैट कॉन्सेप्ट टू फुली अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइज वॉइस लीडिंग. ठीक है, सो वो कॉन्सेप्ट क्या है? नाउ लेट्स से हम कोई भी एक रैंडम नोट लेते हैं, लेट्स टेक द ए नोट. ठीक है, तो ए नोट हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट जैसे है. ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कॉर्ड्स फाइंड आउट करनी है जिसमें ये ए नोट आता है, तो ऑफकोर्स द यूजुअल सस्पेक्ट्स विल बी ए मेजर, ए माइनर, सम ऑफ यू माइट इवन से एफ मेजर, यू नो. सो एफ मेजर में हमारा थर्ड नोट इज हमारा ए होता है. ठीक है, सो यू माइट हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्ड्स जिसमें ए का नोट आता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ कि आप, हमारे टोटल म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? हमारे 12 नोट्स होते हैं. आप ये 12 नोट्स को एज रूट ले सकते हैं एंड यू कैन ऐड एन ए इन दैट. ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे को सिर्फ ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि हमारा ए नोट सिर्फ ए मेजर या ए माइनर में आता है. हमारी 12 जो नोट्स हैं, हम उन 12 नोट्स से मल्टीपल कॉर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वो ए का नोट आता है. ठीक है, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो ए है वो उस कॉर्ड के रूट में क्या फंक्शन प्ले कर रहा है. तो अगर वैसे मैं जैसे एग्जांपल की बात लेता हूँ, अगर मैं ए इन ए मेजर बोलता हूँ, ए मेजर कॉर्ड में ए इज प्लेइंग द रूट, ए माइनर में भी ए इज प्लेइंग द रूट, राइट. सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं बी फ्लैट लेता हूँ, तो बी फ्लैट कि अगर मैं बोलता हूँ कि रूट नोट बी फ्लैट है और मेरे को एक कॉर्ड फाइंड आउट करनी है जिसमें रूट बी फ्लैट है लेकिन उसमें ए नोट भी आता है, तो हम सोचेंगे कि बी फ्लैट में, बी फ्लैट के स्केल में ए क्या रोल प्ले करता है. सो बी फ्लैट के स्केल में ए इज द मेजर सेवन्थ इंटरवल, राइट. सो अगर मैं बी फ्लैट मेजर 7 प्ले करता हूँ, राइट, इसमें मेरा ए का नोट आ रहा है, राइट, दैट्स माई ए नोट. और मैं अगर बी फ्लैट मेजर 7 प्ले करता हूँ, मेरा ये ए का नोट आ रहा है. सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं बी के रेफरेंस में लेना चाहता हूं, तो बी के रेफरेंस में ए का नोट क्या होता है? दैट इज द माइनर 7th इंटरवल. तो मेरी बी माइनर 7th जो होती है, बी माइनर 7th पे भी मेरा ए का नोट आ रहा है, राइट. सिमिलरली आई कैन टेक मल्टीपल, मैं कोई भी नोट ले सकता हूं मैं, और उस नोट की अगर मैं रूट कॉर्ड बनाता हूं तो मैं ए can be put in some form or the other. ठीक है, वो एक different extension बन जाएगा. But that's the important thing that I want you to understand कि अगर कोई भी हमारे को नोट में अगर कॉर्ड फिट करनी है तो हमारे को सिर्फ उस नोट को एज अ रूट नहीं लेने की ज़रूरत. हम कोई भी इंटरवल पे ले सकते हैं. हम ए को मेजर 7th इंटरवल पे ले सकते हैं, ए को हम माइनर 7th इंटरवल पे ले सकते हैं, हम ए को मेजर 6th, माइनर 6th, परफेक्ट 5th, परफेक्ट 4th, मेजर 3rd, माइनर 3rd, मेजर 2nd, माइनर 2nd. हम चाहे तो फ्लैट 2 हम उस पर भी ले सकते हैं, तो इट बी लाइक अ फ्लैट 9 कॉर्ड, राइट. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके मल्टीपल कॉर्ड्स बन सकती हैं विद एनी पर्टिकुलर नोट. That's the important concept which I want you to understand. ठीक है, so this is one concept. Now, voice leading जो होती है ना, voice leading is actually an application of this particular concept. लेकिन हमने करना क्या होता है, हम कोई भी नोट लेते हैं और उस नोट पे हम particular chord find out करते हैं, लेकिन the important thing is हम चाहते हैं कि उस chord का highest note, जो top का note है, वो हमारा वही particular note होए. ठीक है, so might be a little confusing, but let me just demonstrate this with an example. हमने जैसे ए नोट की बात करी, सो अब मैंने बोला कि ए पे हम ए मेजर प्ले कर सकते हैं. तो अगर मैं ये ए मेजर प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, सो दिस कॉर्ड हैज़ द ए नोट इन इट. एंड इंटरेस्टिंगली जो इस कॉर्ड का हाई टॉप नोट है, जो टॉप नोट बोले तो बिल्कुल जो फाइनल ट्रेवल नोट है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ए एज वेल, राइट. सो दिस इज गुड. लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को प्ले करनी है बी फ्लैट मेजर 7th, ठीक है, अब मैंने बी फ्लैट मेजर 7 प्ले करी, अब इसका मेरा टॉप नोट क्या है? दैट्स एन एफ, राइट. मैं ये फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट प्ले कर रहा हूँ जो मेरा हाईएस्ट नोट है. इसमें ऑफ कोर्स मेरा ए आता है, लेकिन मेरा ए इज नॉट द हाईएस्ट नोट. मेरा हाईएस्ट नोट इज एन एफ. या अगर मान लीजिए मैं बी माइनर लेता हूँ, बी माइनर में भी मेरा ए आ रहा था जैसा हमने देखा था, लेकिन मेरा इसमें मेरा जो टॉप नोट है दैट्स एन एफ शार्प, राइट. सो वॉइस लीडिंग बेसिकली कहता है कि आपने जो नोट प्ले करना है आप उसको हाईएस्ट नोट बना के चलें. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट पे वी अब हमारे को सोचना क्या पड़ेगा? हमारे को सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी कॉर्ड्स हैं जिसमें ए नोट तो आता ही है लेकिन ए नोट हाईएस्ट नोट है। तो मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे को ए नोट पे ही कॉर्ड्स प्ले करनी है, तो लेट्स टेक एनी ए। तो हमने जैसे पहले हमने फर्स्ट स्ट्रिंग का फिफ्थ रेड लिया था, नाउ फॉर अ डिफरेंट एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, सेकंड स्ट्रिंग पे ए नोट को फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड स्ट्रिंग में हमारा ए नोट होता है 10th रेड, राइट। अब मेरे को इस पर्टिकुलर नोट पे मल्टीपल कॉर्ड्स बनानी है जिसमें ए मेरा टॉप का नोट हो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, what all chords can I play? I can play an A major, so let me just play an A major. ठीक है, by the way मैं जो भी chords अभी play करने वाला हूँ, इन सब के जो chord diagrams होंगे वो मैं जो PDF ऐप का डाउनलोडेबल इस वर्कशॉप के साथ उसमें मैं इन सब की chord diagrams भी डाल दूंगा, so that you know you can actually practice these shapes as well. But अभी important thing is not really these shapes, but जो हम eventually chord melody arrangement में करने वाले हैं. But right now you know let's just concentrate on the voice leading example. तो हमने जैसे A की बात करी थी, तो पहली हमारी कॉर्ड होगी A major, so I can play A major like this, right? So this is an A major, जिसमें मेरा जो टॉप का नोट है मैं अपनी सेकेंड स्ट्रिंग का 10th fret प्ले कर रहा हूँ, so that's an A as well, right? So this is A major. मैं चाहूँ तो A minor कर सकता हूँ using the same A note as my top note, ठीक है। So ये मेरी A major थी, तो मेरी A minor हो जाएगी, राइट, सो दैट्स एन A minor. अब मान लीजिए मेरे को अगर B फ्लैट पे लेना है, तो मेरा B फ्लैट मेजर 7th में यहां पे प्ले करता हूं, या मैं यहां प्ले करता हूं, बट अगर मेरे को ये ही नोट को करना है, देन आई कैन प्ले समथिंग लाइक दिस. दिस इज एक्चुअली द सेकेंड इन्वर्जन ऑफ B फ्लैट मेजर 7th. इसमें हमारा रूट नोट जो है, रूट नोट इज एक्चुअली इन एफ, बट दैट डजंट रियली मैटर, क्योंकि हमारा रूट द लोएस्ट नोट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट. वॉइस लीडिंग के हमारे को जो हायर नोट है उसकी जरूरत है. सो दिस इज अ बी फ्लैट मेजर 7th विद ए एज द हायर नोट, राइट. मैं चाहूं तो बी माइनर 7th, जैसे मैंने बी माइनर 7th ली थी, ये इसमें मेरा हाईएस्ट नोट एफ शार्प आ रहा था, या अगर मैं बी माइनर 7th यहाँ पे प्ले करूंगा तो मेरा हाईएस्ट नोट बी आ रहा है. तो व्हाट आई विल डू इज आई कैन प्ले बी माइनर 7 लाइक दिस. सो दिस इज अ बी माइनर 7, लेकिन मेरा टॉप का जो नोट है दैट स्टिल इज एन ए. मैं चाहूं तो इसमें अपना जो थर्ड है उसको रेज करके आई कैन मेक इट अ B7 एज वेल, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट. सो अ B7 में ऐसे अगर मैं प्ले करूंगा तब भी मेरा ए नोट जो है वो टॉप का नोट रहेगा. इफ़ आई वॉन्ट आई कैन लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. अगर मान लीजिए मेरे को सी पे करना है, तो आई सी पे अगर मैं देखूंगा C D E F G A, तो सी पे A इज द 6th. तो मैं जो भी कॉर्ड्स सोच सकता हूँ जिसमें जो भी हमारी 6th या 13th कॉर्ड्स होती हैं C की, उसमें हमारा A नोट होएगा. तो आई कैन एक्चुअली प्ले अ C6. तो मेरी C6 होएगी, इट विल बी लाइक दिस, राइट. आई कैन एक्चुअली प्ले, अब मेरी C6 है, तो इसमें अगर मैं रूट की जगह मेजर 7th ऐड कर दूंगा, सो आई कैन मेक इट अ C मेजर 13. सो ये मेरा रूट है, आई कैन मेक इट अ C मेजर 13, राइट. सो दिस इज अ C मेजर 13 जिसमें मेरा A इज स्टिल प्रेजेंट, ठीक है. देन यू नो वी कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स. मैं ले सकता हूँ F मेजर. तो F मेजर मेरा होता है, F मेजर में A इज प्लेइंग माई मेजर 3rd, तो आई कैन प्ले F मेजर 7. I can play F7, right? F करा तो मैं F sharp minor, F sharp भी कर सकता हूँ. तो F sharp में it will be the minor 3rd, so I can play, right? Again that A note is there. Similarly अगर मैं चाहूँ तो मैं G पे भी ले सकता हूँ. G पे मेरा A is the 2nd note, so मेरी कोई भी जो 2 या 9 वाली chord है, तो मैं I can play a G sus 2, I can play a G9. G9 पे I can play so many chords. So G पे I can play I can play a G major 9, so right, G major 9 है. I can actually play a G9 as well. G9 पे अगर मैं अपने 3rd को flat कर दूँ, I can make it a G minor 9. ठीक है, so आप, I hope you're getting what I'm trying to say, कि मैं एक ही note पे I can play multiple chords, right? जो हमारा first concept था. बट ऑफ कोर्स अगर मैं उन कॉर्ड्स को ऑल्टर कर दूं इन सच अ वे कि मेरे को जो नोट चाहिए वो मैं टॉप नोट का बना दूं, हायर नोट बना दूं, दैट इज व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस लीडिंग कम्स टू द पिक्चर कि मेरे को कोई भी अगर मान लीजिए मेरे को मेलोडी बनानी है, ठीक है, तो आप जैसे ये वाली वर्कशॉप में हम ट्यून अप पे काम कर रहे हैं, तो ट्यून अप की मेलोडी गो समथिंग लाइक दिस। तो 5 नोट्स हैं। अब ये पांचों नोट्स पे कॉर्ड मेलोडी अरेंजमेंट एसेंशियली मीन्स कि मैं 5 कॉर्ड्स ढूंढूंगा, ठीक है। सो ये पांचों नोट्स पे मैं 5 कॉर्ड्स ढूंढूंगा, या जितनी भी 4 भी ढूंढ सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी। लेकिन मैं द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट जस्ट द फैक्ट कि ये पांचों नोट्स उन 5 कॉर्ड्स में होंगे, बट इन 5 कॉर्ड्स का जो टॉप नोट होएगा, जो हायर नोट होएगा, दैट इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर मेलोडी नोट इटसेल्फ, ठीक है। तो हम एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम वॉइस लीडिंग कर रहे हैं, हम मतलब उस मेलोडी को कॉर्ड्स के थ्रू वॉइस लीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। वॉइस लीडिंग एसेंशियली मीन्स कि हमारा जो टॉप का नोट है दैट इज द मेलोडी का नोट, ठीक है। सो आई होप जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझ में आ गया। वंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए यू नो इट्स वॉइस लीडिंग इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, तो इफ इन फ्यूचर व्हाट आई विल डू इज मैं इस पर एक सेपरेट मास्टर क्लास भी बना दूंगा, तो इट विल बी ए कंप्लीट मिनी कोर्स काइंड ऑफ थिंग जिसमें मैं पूरा वॉइस लीडिंग बताऊंगा। देन आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैं किस तरह से सोचता हूँ जब मेरे को मेलोडी पे आपको मैं डिफरेंट कॉर्ड्स सिखा भी दूंगा, यू नो, सो आपकी कॉर्ड वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, एंड देन यू नो यू कैन एक्चुअली मेक योर ओन कॉर्ड मेलोडी अरेंजमेंट्स।